यदुवीर सिंह जी, राधे राधे गुरु जी, जो दूसरों से द्वेष घृणा करते हैं वो व्यक्ति किस श्रेणी के होते हैं, क्या उन्हें पाप नहीं लगता? लगता है जी, जो द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, जब काहू के सुनय बड़ाई, श्वास ले जन जूड़ी आई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो नफरत द्वेष करने वाले हैं, जब वो किसी की तारीफ सुनते हैं तो उन्हें बुखार आ जाता है और वो किसी का कुछ बिगड़ा हुआ देख लें, अरे उनका तो बिगड़ गया, तो इतने प्रसन्न होते हैं मानो राजा हो गया। थर्ड क्वालिटी के लोग, इसलिए पाप लगता है। किसी साधु स्वभाव ये है कि दूसरों के दुख में दुखी हो जाना और दूसरों के सुख में अपोजिट नहीं, उल्टा नहीं, रोते हुए को देखकर रोने लगना, उसके साथ उसको चुप कराना, उसको उसका दुख बांटना और सुख में सुखी हो जाना। इसलिए ऐसा स्वभाव होना चाहिए। हम जलन करने से भी हम ईर्ष्या द्वेष रखें तो क्या परिणाम, इसका फल क्या है बताइए, हमें कौन सा लाभ मिल रहा है? आप बहुत तरक्की कर गए और हम आपको देख देख के जलें तो हमारा क्या लाभ होगा? इसलिए हमें आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न रहना है। दीप शिखा जी, राधे राधे महाराज जी, अगर सपने में हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं तो यह कैसे संभव है, जबकि शरीर तो सो रहा होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, शरीर तो सो रहा होता है, लेकिन होता क्या है ना, हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, स्वप्न देखता कौन है? सूक्ष्म शरीर, स्वप्न का दृष्टा कौन है? मन, उस मन को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। हम सोए हैं, हमारा मन भटक रहा है, तो मन ही सूक्ष्म शरीर है, वह भी एक शरीरधारी है ना। तो वह हमारे, आज ही कथा में हमने बताया, हमारे पास तीन शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, जिसमें कि स्थूल शरीर ये बैठा है, सूक्ष्म शरीर स्वप्न का दृष्टा है, कारण शरीर जिस कारण से हमें देह प्राप्त हुई वह। तो हमारा सूक्ष्म शरीर ही स्वप्न का दृष्टा है, तो वही भटकता है, तो हम सोए हैं पर वो जा रहा है, आ रहा। आप में से किसी का कोई सवाल, बोलिए, माइक दे दो। गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए आदमी को? गायत्री मंत्र का जाप, यदि आप शुद्ध अवस्था में हैं, पवित्र अवस्था में हैं और आपका यज्ञोपवीत हुआ है जनेऊ, तो आप गायत्री कर सकते हैं। यज्ञोपवीत नहीं हुआ तो नहीं कर सकते? यदि यज्ञोपवीत नहीं हुआ तो आप नहीं कर सकते। गायत्री की जगह आप राम राम जपें। गायत्री में 24 अक्षर हैं, राम में 2 अक्षर हैं, तो जो फल गायत्री जपने का है वही फल राम राम जपने का है। गायत्री चूंकि वेद मंत्र है, तो वेद मंत्र की एक मर्यादाएं हैं कि आप यज्ञोपवीत धारण करके ही उसका जाप करें। धन्यवाद, राधे राधे। बोलिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। ये देवकी और कंस के उग्रसेन को छोड़कर और पिता कौन थे? माता देवकी और कंस के उग्रसेन को छोड़कर पिताजी और कौन थे? कंस के पिता उग्रसेन थे, ठीक है। कंस की जो माँ थी ना, उनका नाम पवन रेखा था। एक बार हुआ क्या था कि पवन रेखा एक जंगल में गई थी, तो वह मय नाम के दानव ने उग्रसेन का रूप बना के पवन रेखा के साथ उन्होंने गर्भाधान उसके साथ कर लिया, तो वो गर्भवती हो गई। एक्चुअली जो कंस था वह एक राक्षस का बेटा था, इसलिए उसका स्वभाव राक्षसी था, मय दानव का बेटा था वह, ठीक है। पवन रेखा इनकी माँ थी, ठीक है, ठीक है। महाराज जी, राधे राधे। मैया जी, राधे राधे। हम दिल्ली से आए हैं जी, पर पहले भी एक बार आए थे, बेटा और बहू मेरे साथ थे, हमने नाम लेना चाहते थे। हमारे से गलती हो गई, किसी ने बोला भी 6:30 बजे शाम को देते हैं, तो हम 2 दिन रुके, हम नहीं ले पाए, कल ले लीजिएगा। हाँ जी, अब प्रश्न कुछ करना, मैंने नाम लेना चाहती हूँ,
कल आप कल तो रुकेंगे ना? हाँ, तो कल आप सुबह 9 बजे 8:30 बजे 9 बजे आ जाइएगा, 8:30 के बाद हो जाएगा, ठीक है? राधे राधे श्री। राधे राधे। गुरु जी मुझे पूछना है, जैसे कथा प्रारंभ होती है रामायण जहाँ भी स्टार्ट होती है तो हाँ। कहते हैं कथा प्रारंभ होते है आओ भी हनुमान। हाँ। कथा राम की होती है, हनुमान जी को कैसे पुकारा जाता है, ये क्या? जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी जाते हैं। हनुमान जी जब राम जी धरती छोड़कर जाने लगे तो हनुमान जी से राम जी ने कहा चलो सब जा रहे हैं, जो आए थे सब जा रहे हैं चलो। हनुमान जी बोले नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? बोले यहाँ जहाँ आप जाएंगे बैकुंठ में, क्या वहाँ आपकी कथा है? हनुमान जी ने कहा क्या वहाँ कथा है? राम जी बोले वहाँ तो हम ही हैं, कथा की क्या ज़रूरत है? तो राम जी ने कहा हनुमान जी से तो यहाँ क्यों रहोगे? बोले यहाँ आपकी कथा है, जहाँ कथा है जहाँ आप हैं ज़रूरी नहीं है कि वहाँ कथा हो, पर जहाँ कथा है वहाँ आप ज़रूर होंगे, तो इसलिए जहाँ कथा होगी वहाँ हम रहेंगे। तो राम जी ने कहा कब तक रहोगे? बोले जब तक धरती पे कथा रहेगी तब तक मैं रहूँगा। श्री राधे राधे। तो जहाँ कथा होती है वहाँ हनुमान जी ज़रूर आते हैं। कथा चाहे कितनी भी जगह पर हो, हनुमान जी अनेक रूपों में पहुँच के और कथा का आनंद लेते हैं लोग।